Thank you.
नारदाना नारदाना नारदाना।
निसार किया है, दिल जाने जिगर तुझे निसार किया है, प्यार किया है तुझे प्यार किया है, प्यार किया है तुझे प्यार किया है, प्यार किया मेरे तुझे।
अनुलोम विलोम प्राणायाम करें आज। लेफ्ट नसिका से श्वास लेनी है, राइट से छोड़नी है। राइट से छोड़े राइट नसिका से, तो राइट से वापस श्वास ले और लेफ्ट से छोड़े। लेफ्ट से छोड़े तो लेफ्ट से वापस ले और राइट से छोड़े। शुरू रखे अनुलोम विलोम प्राणायाम, बहुत जरूरी प्राणायाम। कोई वेट लॉस पूछने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है। करो और पता करो वेट लॉस होता है कि नहीं होता। पूछने वाले पूछते ही रह जाते। शुरू करें अनुलोम विलोम प्राणायाम, बहुत जरूरी है। आज तीसरा दिन पीसीओडी वालों के लिए। पीसीओडी का प्रॉब्लम है 100% क्योर हो सकता है, मेहनत की जरूरत है। 10, 20, 30 मिनट एरोबिक्स जितना हो सकता, बाद में तो दूसरी बात तो फूड चार्ट फॉलो करना, तीसरी बात एरोबिक्स के बाद 15-20 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। आज अनुलोम विलोम ऐड कर रहे हैं, बाद में 20 मिनट कपाल भाती करें, उसके बाद 15-20 मिनट चंद्रभेदी प्राणायाम करें और 20 मिनट कपाल भाती करें। डिटॉक्स काढ़ा पिए, 2 महीने के बाद फिर से एक बार सोनोग्राफी करवाए। रिजल्ट पॉजिटिव ना मिले तो मुझे फोन करें। 100% रिजल्ट मिलता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि 2 महीने में पूरी तरह से क्योर हो जाए। 50-60-70-80-90% लाभ हो जाएगा। रास्ता सही है तो रास्ते पे चलते रहो, बिल्कुल क्योर हो जाएगा। समझो कि बहुत वेट है, 100-110 किलो, बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ, तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन काढ़ा मंगवा लेना, उसके अंदर पीसीओडी की औषधियों ऐड करवा लेना, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। एक डिटॉक्स काढ़ा की पहले जरूरत पड़ती है। नी पेन वालों के लिए कल से योग शुरू हो रहा है 5 से 6 बजे। कल संडे है, मतलब जब शुरू होगा शिविर परसों से, तो जुड़ जाना जिन्हें नी प्रॉब्लम है। यूट्यूब चैनल पे ही आएगा, सब्सक्राइब कर लेना, अपने रिलेटिव्स को अपने दोस्तों को बोल देना यूट्यूब चैनल पे मंडे से 3 दिन के लिए घुटनों के दर्द वालों के लिए और वेट लॉस वालों के लिए शिविर है।
धीरे धीरे मैं एक जगह ढूंढ रहा हूँ कि जहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो फोटोग्राफी का, मतलब अच्छी तरह से आप देख पाओ। थोड़े से बहुत आप काढ़ा पीने लगे, काढ़ा पीते हो आपको लाभ होता है तो अपने रिलेटिव्स को बोले, लाभ नहीं होता है तो मुझे व्हाट्सएप करे, लाभ होता है तो अपने मित्रों को बोले, नहीं होता है तो भी अपने मित्रों को बोलना, लेकिन मुझे जरूर फोन करना। काढ़ा से लाभ नहीं होता, शरीर हल्का नहीं होता, डायबिटीज में लाभ नहीं होता, बीपी में लाभ नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल में लाभ नहीं होता, माइग्रेन में लाभ नहीं होता, डिप्रेशन में लाभ नहीं होता, वर्टिगो में लाभ नहीं होता, तो मुझे बोलना। डिटॉक्स काढ़ा से जितना भी लाभ होता है, 5%, 10, 20, 30, 40 जो भी लाभ होता है, लाभ होगा ही। जिनकी जीभ चटपटी है, टेस्टी है, वो मुझे फोन ना करे, क्योंकि वो पीते नहीं है तो लाभ नहीं होगा। अरे मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता, पानी पूरी का अच्छा लगता है, पाव भाजी का अच्छा लगता है, पिज्जे का टेस्ट अच्छा लगता है, इतना गंदा होता है प्रभु। तो व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पेज खोलना, प्रोफाइल पिक्चर में दो मोबाइल नंबर है, होम्योपैथ सूरत, जहां पेज खोलो एक 100 पेज है, 60 ग्रुप है, ओम योग लिखो, हर एक जगह पे आपको मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा, सिर्फ ओम योग लिखना पड़ेगा। यूट्यूब पे भी ओम योग पिट लिखोगे या तो ओम योग लिखोगे तो भी मेरा नंबर मिल जाएगा। जिन्हें योग टीचर बनना है, अब फाइनल पर मैं आया हूँ कि मुझे भारत भर में योग टीचर बनाने हैं। शायद पहले महाराष्ट्र वालों को बुलाओ, योग टीचर के लिए 7 दिनों की शिविर रहेगी। और जो अपने शहर में योग करवाना चाहते हुए वो पहले आए, मैं डिपॉजिट के रूप में उन्हें भी 5,000 रुपया लूंगा जब 7 दिन पूरे होते हैं। जिन्हें खाने पीने औषधियों का खर्चा बात करके ले जाना है, बात करके ले जाए, पूरा ले जाना है, पूरा वापस ले जाए, जिन्हें काढ़ा चाहिए वो व्हाट्सएप पे मैसेज करे, डिटॉक्स काढ़ा के डिटेल दे तो वो मिल जाए। क्योंकि मैं कहूँगा काढ़ा इतने का है, बोले कैसे पीना है, बोले ऐसे पीना है, कितने दिन पीना है, कितने टाइम पीना है, धनिया जीरा क्यों डालना है, काला नमक और हींग डालनी जरूरी है, ऐसा सब पूछते रहते हैं, नए काम की बातें। तो वो सब जो जो चाहिए वो डिटेल दे देता हूँ, बाकी नए काम की बातें होती है उनका जवाब मैं नहीं देता, मेरे पास टाइम भी नहीं होता इतना। तो जिन्हें काढ़े के बारे में पूछना है व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ना, लोग आपको जवाब दे देंगे। मैं जब व्हाट्सएप पे देखूंगा मैं जवाब दे दूंगा। अब मैं फाइनली 1 साल से आपको कह रहा हूँ टीचर ट्रेनिंग शिविर, 11 दिन की शिविर भी अलग बात है और ये टीचर ट्रेनिंग की 7 दिन की शिविर रहेगी। महाराष्ट्र वालों को मैं डेली कहूँगा, महाराष्ट्र वालों को बुलाऊंगा पहले। महाराष्ट्र के 60 या 61 लोगों को मैं बुलाऊंगा। ₹1100 या तो ₹1500 मैं अकाउंट में डलवाऊंगा, तो आएंगे, नहीं आएंगे उनको वापस नहीं दूंगा। दूसरा मतलब जो भी मैं रखूंगा
5-6 हजार रुपये डिपॉजिट के रूप में समझो 6500 रुपये रखे, तो 5000 आपको यहाँ आकर मुझे देना होगा। जब घर वापस जाओ तो 1500 और 5600 रुपया वापस लेकर भी जा सकते हो पूरे, और आपको लगे कि नहीं हमने यहाँ पे खाना खाया है, यहाँ पे खर्चा आता है, जगह मेरी नहीं है, जगह भी दूसरों की है। औषधियों का मैं आपको बॉडी डिटॉक्सिफाई करवाऊंगा, आपको रोगों के अनुसार औषधि पिलाऊंगा, पूरी ट्रीटमेंट दूंगा टीचर बनने वालों को। सर्टिफिकेट किसी को नहीं दूंगा, सर्टिफिकेट तब दूंगा जब आप अपने शहर में जाकर योग शुरू करवाओगे, मुझे फोटोग्राफ भेजोगे, मुझे वीडियो क्लिप भेजोगे, मुझे लगेगा कि नहीं सही ये बंदा के भाई साहब के बहन जी काम कर रहे हैं योग के लिए, एक अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा। आज तक मैंने टीचर की बात की, अपने स्पेशल टीचर शायद हर महीने एक शिविर रखूंगा, शायद पक्का नहीं लेकिन रखूंगा जरूर। प्रोफेशनल लोग भी आ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं सर्टिफिकेट किसी को प्रोफेशनल लोगों को नहीं देता, उनके प्रति मन मुझे कोई द्वेष भाव भी नहीं है। वो लोग भी आ सकते हैं, जैसे सेवा करने वाले आए ऐसे प्रोफेशनल लोग आए, कोई बात नहीं, अपने अपने विचारधारा होती है, मुझे मेरी विचारधारा वाले लोग चाहिए। समझो समंदर में एक नाव है, तूफान है, इन तूफान के बीच में मैं 20 साल से हूँ, अभी तूफान में ही हूँ। तो मैंने 2-3 दिन पहले ये विचार आया मुझे कि अब मुझे टीचर ट्रेनिंग के लिए लोगों को बुलाना चाहिए एक एक स्टेट में से। मैं देखूंगा महाराष्ट्र की कितने डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से लोग आना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़े, डेली में 8 दिन तक ये बात करता रहूंगा। कैसे मैसेज आते हैं महाराष्ट्र से देखता हूँ, महाराष्ट्र के लोग कितने तैयार हैं। खर्चा कुछ नहीं है, यहाँ पे खाना है, मेरे पास 60 लोग रह सके इतनी जगह है, यहाँ पे रहना, यहाँ पे खाना, यहाँ पे औषधियाँ, वो सब यहाँ पे आप 7 दिन में बहुत हल्के बहुत लाभ लेकर और बहुत कुछ सीख कर जाओ। थोड़ा बहुत दर्द है, थोड़ी बहुत तकलीफ है तो आए, ज्यादा बहुत तकलीफ है तो बताए। और 60 साल के नीचे की उम्र क्या है, 60 साल के ऊपर की उम्र वाले मुझे मैसेज ना कर, कोई रिटायर्ड पर्सन हो, कोई ऑफिसर हो, कोई सीधा साधा इंसान हो, सब आ सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां है तो 11 दिनों की शिविर में आए, वो जब डेट रखूंगा मैं दोनों डेट साथ में रखूंगा, 11 दिनों की आवासीय शिविर पूरी होते ही 1 दिन के बाद 7 दिन की टीचर ट्रेनिंग शिविर। तो अभी मैं 5-7 दिन के लिए महाराष्ट्र वालों के लिए बात करूंगा, कितने लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ते हैं, अपना आधार कार्ड भेजते हैं, देखता हूँ मैं।
अपने बारे में लिखे, क्या करते हैं, क्या उम्र है, क्या रोग है, आधार कार्ड भेजे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, क्या करते हैं, स्वास्थ्य छोड़े पूरा करें। इसके बाद पीसीओडी वालों को कपालभाति करनी है तो 2-3 मिनट कपालभाति कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात होती है। एक बार ओंकार श्वास अंदर, पीसीओडी वालों को 20 मिनट डेली कपाल भाती करनी है। बहुत जरूरी कपाल भाती, बहुत सारे प्रॉब्लम दूर करती है कपाल भाती। जब कभी डायबिटीज वालों के लिए शिविर रखेंगे, सब बातें करेंगे, माइंड पर कपाल भाती बहुत इफेक्टिव होती है। वैसे पेट के अंदर जो जो अंग है उन पर सभी पे बहुत इफेक्ट करती है। अब प्राण साधना शुरू करते हैं। एक बार ओंकार करें श्वास अंदर, ओ
2 मिनट लंबी गहरी सांस ले, डीप ब्रीदिंग करें। तब तक मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ प्राण साधना के बारे में। प्राणायाम बहुत ही जरूरी होता है। आपको लगेगा कि तो मैं क्यों सिर्फ एरोबिक्स ही करवाता हूँ, मैं अकेला एरोबिक्स कभी मैंने नहीं करवाया। बहुत मैं प्राणायाम करवाता हूँ, बहुत जो एक्सरसाइज जरूरी है वो भी बहुत करवाता हूँ आज के लोगों के लिए। आसन इतने नहीं करवाता, रोगों के अनुसार आसन करवाता हूँ, प्राणायाम बहुत करवाता हूँ। प्राण साधना पीसीओडी वालों को कैसे शुरू करनी, यूटेरस फैलोपियन ट्यूब ओवरीज पेट के अंदर के हिस्से में होता है, नीचे की तरफ थोड़ा, तो जमीन को टच होता हुआ पहला जो ऊर्जा का केंद्र है वो मूलाधार चक्र है, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है, तीसरा मणिपुर चक्र है। तो इन तीन शक्ति के केंद्र पर प्राण शक्ति की इफेक्ट हो और उन्हें रिलेटेड जो जो अंग है वो शक्तिशाली बने, शुद्ध बने, तंदुरुस्त बने, निरोगी बने, उनके लिए प्राण साधना की पहली विधि शुरू करें। दोनों नासिकाओं से श्वास लें, मूलाधार चक्र तक जाने दें प्राण शक्ति को, श्वास को धीमी गति से श्वास लें पर लयबद्ध गति से, त्रुटक त्रुटक नहीं, ये दारी गति जिसे गुजराती में बोलते हैं, रिदम से लें श्वास। ज्यादा से ज्यादा श्वास लेनी है शरीर, पूरा प्रयत्न करना है जितना बड़ा हो पेट प्राण शक्ति से भर। उसे 2-3 सेकंड रोके या 4-5 सेकंड रोके, विद हैप्पीनेस रोके, जब तक आप हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, तब तक रोके। कोई जबरदस्ती बिना, जबरदस्ती नुकसान करती है। बाद में श्वास छोड़े, पेट अंदर जाए, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड, पूरे विष तत्व, पूरे बैक्टीरिया, पूरे वायरस बाहर छोड़ दे। बाहर रोके जब तक आप खुश रह सकते हैं। जब फिर से मन करे श्वास लेने का, रिदम से श्वास ले, फोर्सफुली श्वास ना ले, जबरदस्ती से ना ले, रिदम से, पर पूरा प्रयत्न करें तो पेट बड़ा हो, मूलाधार चक्र को स्पर्श करती हुई प्राण शक्ति जबरदस्त लाभ देती है, जबरदस्त इफेक्टिव होती है। जब आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आओगे या तो 11 दिन के आवासीय शिविर में आओगे तब पता चलेगा। टीचर ट्रेनिंग में आओगे, मुझे अंदर से ये होगा कि आप अपने शहर में जाकर लोगों को योग करवाए। आज तक मैंने जो भी टीचर किए, जिन्हें भी योग करवाने के लिए तैयार किया, मैंने देखा सबको वाह वाह का मोह जागता है। सबको अपने वाह वाह करवानी है, YouTube चैनल पे, Facebook टाइमलाइन पे, Facebook पेज पर,
हाँ, जब तक बीमार होते हैं, लाचार होते हैं, तब तक बहुत सीधे साधे रहते हैं। इतना कुछ आ नहीं जाता कि उन अपना भी वेट लॉस कर सके, अपनी बीमारी दोबारा आ गई तो दूर कर सके, इतने तैयार नहीं होते हैं। फिर भी एक मोह जो अंदर पड़ा है वो तो है ही। तो मैंने बहुत सोचने के बाद इन सब की तरफ देखना बंद कर दिया और सोचा कि सब भारत देश के लोग जो जो योग के राह पर है उन सबको मैं ट्रेनिंग दूँ, चाहे प्रोफेशनल है चाहे एक अच्छी भावना लेकर आते हैं। बीमार है वो अच्छी भावना लेकर आएंगे, बीमार नहीं है वो प्रोफेशनल और ज़्यादा कमाने की भावना लेकर आएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है कि लोगों को ट्रेनिंग देना, लोगों को योग सिखाना, सिखाऊंगा मैं। आप अपने शहर में जाकर जो भी करना है अच्छा काम करना, चाहे पैसा लेकर करे चाहे फ्री में करे। पैसा लेकर करो वो आपकी इच्छा की बात है, फ्री में करो आपकी इच्छा की बात है। वाह वाह के लिए करो, नाम के लिए करो, शोहरत के लिए करो, वो आपकी बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ो। आप गरीब हो आप अमीर हो, मैंने गरीबों को भी बहुत ही सिखाया, बहुत ही पूरे परिवार का ध्यान रखा। गरीब का भी और अमीर का दोनों में कोई फर्क नहीं है, सब बन सकते हैं। पहले मैं जो भी बात की होगी साल पहले आप लोगों ने सुनी होगी, तो जब अनुभव होता है, पहले मैं हर एक को मेरे बाजू में बिठाता था तो भी बहुत सारी दिक्कतें आएगी। जिन्हें पैसों की भूख नहीं है, मतलब पैसा की भूख नहीं है, वो मेरा मंतव्य था कि जिनके पास बहुत पैसा है उसे पैसों की भूख नहीं है, शायद उसे गरीब से ज़्यादा भूख है। मैंने महसूस किया गरीब से ज़्यादा शोहरत की वाह वाह की भावना है, मैंने महसूस किया, क्योंकि पूरे परिवारों का, एक एक परिवार का जिनका मैंने ख्याल रखा उसी में भी ऐसा है। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया कि मेरा काम है लोगों को योग सिखाना, योग करवाना। तो मैंने तय किया है कि जो भी आना चाहते हैं योग के लिए आए, प्राण साधना शुरू रखें। पीसीओडी वालों के लिए खास यहाँ से शुरू करनी है प्राण साधना, मूलाधार चक्र से लेकर मणिपुर चक्र तक। लंबी गहरी श्वास ले, बहुत 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 फायदेमंद है लोगों के लिए। शुरू रख, बहुत जरूरी साधना है ये। ज्यादातर करके पांच प्राणायाम की जरूरत रहती है। सबसे पहले फेफड़ों को कार्यान्वित करने के लिए प्राण साधना। मैं जनरल बताता हूँ, पेशी बॉडी वालों के लिए स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है अभी जो बात कर रहा हूँ। फेफड़ों को कार्यक्षम बनाने के लिए प्राण साधना, पेट के अंदर जो अंग है जो भी है उनको कार्यक्षम बनाने के लिए कपालभाति, मंडूकासन,
बहुत ओवर हीट है तो कपालभाति के बाद 10 से 20 मिनट चंद्रभेदी प्राणायाम, या तो जैसा ओवर हीट 5 से 10 मिनट चंद्रभेदी प्राणायाम, उसके बाद कम से कम हर एक के लिए 20 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राण साधना, कपालभाति, चंद्रभेदी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और पांचवा प्राणायाम भ्रामरी करे एक दिन 20-25 बार, एक दिन ओंकार करे उद्गीत प्राणायाम 20-25 बार, एक दिन उज्जाय प्राणायाम 15-20 बार करे, तो 8 दिन में 2-2 बार ये 3 प्राणायाम आएंगे, 7 दिन 6 दिन में। और डिटॉक्स काढ़ा भी, बॉडी डिटॉक्स काढ़ा, अगर आपको लाभ नहीं होता है तो मुझे फोन करें। फोन इसीलिए करें कि अगर आप सच्चे हैं तो मैं आपको पैसे भी वापस दे दूंगा डिटॉक्स काढ़ा का। ज़्यादा लोग बुद्धि का उपयोग बहुत करते हैं, दिल का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ता है कि आप मुझे फ़ोन करें, इफेक्ट नहीं होती है, मैं आपकी बातें सुनूंगा और अगर मुझे सही लगा तो मैं आपको पैसा वापस दे दूंगा। आप बोलोगे मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो मैं वापस नहीं दूंगा, तो नहीं लगता है तो भी पीना पड़ता है, बोले बोले 10 बार जाना पड़ता है और मैंने पिया नहीं तो भी नहीं दूंगा, 20 बार भी जाना पड़ा, सफाई करने वाला है वो तो सफाई करेगा, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को एकाएक दर्द उठता है, किसी को पेट में जलन होती है, वो आपने क्या खाया है क्या सोचा है उस पर निर्भर करता है। शुरू रखें प्राण साधना, पीसीओडी वालों के लिए कहाँ से शुरुआत करें प्राण साधना, तो मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र तीनों को इफेक्ट करें ऐसी प्राण साधना। लंबी गहरी सांस बहुत जरूरी, ये क्रिया 10 मिनट करे पीसीओडी वालों, जो भी है पीसीओडी का प्रॉब्लम जिन्हें भी, ये क्रिया 10 से 15 मिनट करे, उसके बाद 10 मिनट आगे की क्रिया करनी है, मैं 2-4 मिनट करवाऊंगा, ऊपर की तरफ श्वास भरनी, श्वास भरते जाना है ऊपर की तरफ, नाभि से लेकर ये मणिपुर चक्र से लेकर विशुद्ध चक्र तक, मणिपुर चक्र से लेकर विशुद्ध चक्र तक श्वास को भरनी है, मतलब चेस्ट फुलानी है, लंबी गहरी श्वास, पूरा प्रयत्न करना है, लयबद्ध गति होती है, रिदम से श्वास लेनी है, फोर्सफुली नहीं लेनी है, ज्यादा प्रयत्न जरूर करना है, पूरा प्रयत्न करना है, स्पीड में जाने की कोई जरूरत नहीं है, पर उसे भी जब आप हैप्पी रह सके तब तक श्वास अंदर रोके उसके बाद छोड़े। श्वास छोड़ने से पहले पेट को ढीला छोड़ दे, और श्वास छोड़े पेट अंदर जाए, बाहर रोके जब तक आप हैप्पी रह सके, खुश रह सके, आनंद आवे तक, बिना जबरदस्ती, उसके बाद फिर से लंबी गहरी श्वास ले, बहुत जरूरी। किसी किसी को ये सुखासन में बैठते हुए एक पैर में खालीपन आ जाता है,
वो पैर को अंदर ले लो, खाली पद दूर हो जाएगा, अंदर है उसे बाहर ले लो, बाहर से है उसे अंदर ले लो, बदल लो पैर। टीचर ट्रेनिंग की डेट मैं थोड़े दिन में रख दूंगा, महाराष्ट्र नजदीक है, कोरोना हो तो भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले महाराष्ट्र वालों को बुला देखते हैं, एक एक स्टेट में से बुला लेंगे, धीरे धीरे जो भी आते हैं। बुलाऊंगा जरूर मैं, बाद में जो भी होता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने टीचर्स बनाए हैं, बाद में वो टीचर क्या काम करते हैं वो मैंने देखे हैं। बहुत सारे लोग भावना वाले भी हैं, ऐसे नहीं है, सब ऐसे है। मैंने भी सूरत में बहुत सारे बनाए, मुंबई में, राजकोट में, बहुत सारी जगह से बनाए मैंने, उन्हें भी मैंने भी देखा। तो आने वाले लोगों को अब मैं नहीं देखूंगा, उन्हें जो भी करना है मैं एक अच्छी भावना से बुलाऊंगा। तो अगर महाराष्ट्र वाले कोई है और आना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ो, मैं बैंक अकाउंट में पैसा तो लूंगा ही, क्योंकि बाद में सिर्फ नाम लिखूंगा तो 60 लोग होंगे, उसमें से 20 नहीं आएंगे, ये सब मैंने अनुभव किया है। तो 20 लोगों की मुझे जो तैयारी करनी है वो तो मैंने कर ली होती है, यहाँ पे उसे रखना, उसे खाना खिलाना, तो मैं 1100 रुपया पहले ले लूंगा बैंक में, बैंक अकाउंट में, जो नहीं आएंगे उसे वापस नहीं दूंगा, तो वो जरूर आएंगे। मुझे जो भी सिखाया है लोगों ने सिखाया, आज तक मैं ऐसे ही बुला लेता था सब, 11 दिन की शिविर में भी। अब 11 दिन की शिविर में भी पहले तो 1100 रुपए मैं ले लूंगा एक बैंक अकाउंट में, नहीं आएंगे उसे वापस नहीं दूंगा। तो वो सब मैं अभी शिविर इसीलिए नहीं रख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे रखूँ, मुझे आपके पैसे चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन हम भी परेशान ना हो आपकी वजह से, वो भी हम देखेंगे। सालों में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ अनुभव किया है, तो बदलाव जरूरी है, इसीलिए मैं शिविर की डेट भी नहीं रख रहा हूं। डिटॉक्स काढ़ा में जैसे कहा जाए वैसे पियो, बाकी कैसे भी आप पी सकते हो। तो बहुत कुछ अनुभव के बाद कहा जाता है कि ऐसे ऐसे पियो, तो लाभ करेगा, नहीं तो सिर्फ पेट की सफाई करेगा। कहा जाए वैसे नहीं पीते हो तो सिर्फ पेट की सफाई करेगा,
तकलीफें तो जो है वो रहेगी, बाकी तो मधु में गोली बनाकर भी पी सकते हो, बहुत सारे लोग कैप्सूल में भरकर भी पीते हैं, बाद में बोलते हैं धनिया जीरा का शरबत पीना कि नहीं पीना। अरे मैं कोई ऐसे थोड़ी लिख रहा हूँ धनिया जीरा का शरबत पीते रहो। आप लोग टेंशन में इतने जिए हुए हो, मैं भी टेंशन में होता हूँ ऐसा नहीं, लेकिन आप इतने जिए हुए हो कि बहुत गर्मी पैदा करता है टेंशन, और खाना ऐसे खाते हो और ज्यादा गर्मी है शरीर में। तो धनिया जीरा का शरबत पीना ही पीना है, डाइजेस्टिव को ठीक करना है, यूरिनरी ट्रैक को ठीक करना है, फेफड़ों को ठीक करना है, पूरे शरीर को ठीक करना है। जो जो धनिया जीरा का शरबत नहीं पीते हो तो मैं नई दवाई का नाम लूंगा, वो आपको खर्चा करना पड़ेगा अच्छा जीना है तो। और डिटॉक्स काढ़ा अभी समझो कि मैंने अभी अभी जितने भी भेजे बहुत अच्छा है, किसी को 5 बार जाना पड़ता है, किसी को 5 दिन बाद, किसी को 10 दिन बाद, लेकिन 5 बार 10 बार टॉयलेट ज़्यादातर लोग जाते हैं। सालों से जो भरा पड़ा है अंदर विष तत्व डाइजेस्टिव में पूरे शरीर में से निकलना शुरू हो जाता है। तीसरी विधि आधा घंटा में, अब क्या करना है शुरू रखना, आप जो भी कर रहे हो दोनों नासिकाओं से श्वास को लेनी है रिदम से, जहां जाए जाने देनी है, नहीं आपको पेट फुलाना है, नहीं आपको चेस्ट फुलानी है, रिदम से श्वास लेनी है दोनों नासिकाओं से ज्यादा से ज्यादा, पूरा प्रयत्न करना, रोकनी है 2-3 सेकंड, उसके बाद छोड़नी है पेट अंदर जाए, पूरी श्वास बाहर छोड़ देनी है, बाहर रोकनी है 2-3 सेकंड, फिर से लंबी गहरी श्वास शुरू रख। नी में गैप है तो मंडे से जुड़ जाए। मैं ऐसी भी तैयारी कर रहा हूँ धीरे धीरे कि आप घर बैठे 11 दिन की शिविर करें और नी में गैप है L1, L2, L2, L3 या L3, L4 या L4, L5 में गैप है, गद्दी खिसक गई है, इन सब के लिए मैं एक एक करके आप घर बैठे कर सके शिविर 11 दिन की, और आपको ऑपरेशन ना करवाना पड़े, घुटनों का जॉइंट्स चेंज ना करना पड़े, कमर का ऑपरेशन ना करना पड़े, कंधे का ऑपरेशन ना करना पड़े, इंसुलिन बंद हो जाए, बीपी की गोली बंद हो जाए, थायराइड की गोली बंद हो जाए, वर्टिगो दूर हो जाए। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी शिविर भी शुरू करूँगा, थोड़ा समय लगेगा कि आप घर बैठे कर पाए। मंडे से नी प्रॉब्लम वालों के लिए बेसिक है तो जुड़ जाना उसमें जिसे भी है। अब मैंने बाहर शिविरें करना बंद कर दिया, सूरत में भी शिविर करना बंद कर दिया, बाहर जाना भी बंद कर दिया, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी शिविरें रखूँगा 11 दिन की। समझो कि वेट लॉस की शिविर रखी, सबका कम से कम 5 किलो वेट लॉस नहीं हो गया तब तक शुरू रखूँगा, 9 दिन, 11 दिन, 15 दिन पर औषधियों के साथ। मैं जो कहूँगा औषधि आपको मंगवानी होगी, कहा जाए ऐसा करोगे और लाभ नहीं होता है तो आपको औषधि का पैसा वापस लौटाया जाएगा, कहे वैसा करना हो इसमें शर्तें लागू हो। समझो कि मैंने वेट लॉस शिविर शुरू की
किसी ने यूटेरस रिमूव किया है, किसी को थायराइड है, किसी ने बहुत ही किसी को किसी ओडी है, तो पहले उनमें लाभ होता है। तो वो कहेंगे कि मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, लेकिन 11 दिन में कितने बदलते हैं वो आप देख पाओगे। तो रोगों के अनुसार औषधि जो मंगवाएंगे, मैंने वेबसाइट बनाना भी शुरू कर दिया है, तो उसमें धीरे धीरे मैं शिविर रखूंगा, उनको ऐड करूंगा। एक जनरल शिविर होती है, जनरल शिविर है। मैंने इतने सालों में देखा, अगर मैं सब कुछ लोगों को सिखा दूंगा तो उनको लोगों को भी दिक्कत होगी और मुझे भी मार कर इस जगत के लोग भगा देंगे। ये मेरा आज तक का अनुभव है। तो मैं एक वेबसाइट भी बना रहा हूँ जिसमें मैं जो भी लोग जुड़ना चाहे, 10 दिन 15 दिन की शिविर होगी, समझो कि वेट लॉस की शिविर रखी, 5 से 10 किलो वेट लॉस नहीं हो जाता सबका, तब तक वो शिविर में जरूर रखूँगा। लेकिन जो मैं कहूँगा वो औषधि मंगवानी होगी। ठीक उसी तरह समझो नी में गैप है घुटनों में, आपको 50% के ऊपर लाभ ना हो तब तक वो शिविर में शुरू रखूंगा। और जब आपको लगे अब नहीं मुझे घुटनों का ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा तब तक वो शिविर शुरू रखूंगा। और मैं सबका घुटनों से थोड़ा ऊपर से लेकर पैरों को दोनों साथ में रखते हुए फोटो मंगवाऊंगा। किसे ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा और मैं 100% ठीक कर दूंगा वो मैं बताऊंगा, उसके बाद उसे एंट्री दूंगा। तो वैसे बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ बड़ी बड़ी शिविर मैं घर बैठे आपको 11 दिन 15 दिन की करवाऊंगा। समझो डायबिटीज से इंसुलिन बंद ना हो जाए तब तक मैं डायबिटीज वालों को करवाऊंगा, सब ऑनलाइन ही करवाऊंगा। तो समय लगेगा, शुरू रख डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी श्वास, मूलाधार चक्र से लेकर विशुद्ध चक्र कंठ में होता है, कंठ तक प्राण शक्ति से पूरे शरीर को भर दे। 2-3 सेकंड रोकने के बाद छोड़े, पेट अंदर जाए पूरी श्वास बाहर छोड़ दे, बाहर रोके 2-3 सेकंड, फिर से लंबी गहरी श्वास। शुरू रख के एक बार फिर से बताता हूँ पीसीओडी वालों को क्या करना है। डिटॉक्स काढ़ा से बॉडी डिटॉक्सिफाई करनी है। 10 मिनट या तो 30 मिनट आपकी इच्छा के अनुसार एरोबिक्स करना है। उसके बाद तुरंत शवासन में चले जाना है। शवासन में 10 से 20 मिनट पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, उसके बाद 20 मिनट कपालभाति कर ले। कपालभाति करते हुए बहुत 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 थक जाते हो तो बीच में 1-2 मिनट ध्यान में बैठ जाए, नाभि चक्र पर ध्यान करें,
उसके बाद फिर से कपाल भाती, ऐसे 20 मिनट कपाल भाती करें। कपाल भाती के बाद तुरंत 10 से 15 मिनट कम से कम चंद्रा भेदी प्राणायाम करें। इतना खास करें, बाद में आगे बहुत खुशी होती है, बहुत लाभ होता है, तो जय प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, दिग्गज प्राणायाम कर सकते हो। तो मंडे से बेसिक, ये बेसिक रहा 3 दिन पीसीओडी वालों के लिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज लोग बहुत खर्चा कर देते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत अंदर डालते हैं, कोई कोई ओवरी रिमूव करवाते हैं, बहुत परेशान है बहुत सारी बहनें। अगर भाग्य में है तो योग करना शुरू करें और डिटॉक्स काढ़ा पिए, फूड चार्ट फॉलो करें, एक बार ओंकार करें श्वास अंदर, दोनों हाथ जोड़ते हुए सबको नमन, ओम।